ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟਮੈਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ C58 ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੇਟਮੈਨ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੇਟਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यहाँ पर काम करते हो? हाँ जी, किसी की है? नाइट ड्यूटी थी सर मेरी। अच्छा, क्या हुआ? क्या हुआ? ये है सर, नाइट ड्यूटी में मैं अंदर बैठा था, गाड़ियाँ गुड़ियाँ निकालने को लेके सुबह के 4 बज रहे थे जी। तो मैं अंदर बैठा था, लाइट ऑफ थी अंदर वाली, तो जैसे ही ये चोर आए, चोर आके इसके बाइक का टंकी का पाइप तोड़ के पेट्रोल निकाल रहे थे, तो पिंड वाले बंदे ने मेरे को हाथ मारी, हाथ मारते मैं इनके पीछे दौड़ा, दौड़ने के बाद वहाँ जाके इनको कवर किया, कवर करने के बाद इन्होंने चाकू छुरे दिखाए, दांती वगैरह दिखाई, मेरे धमकी दिया। फिर और क्या बरामद हो गया इसके पास? बरामद हुआ सर, चाकू हुआ है और दरात है, दरात बरामद हुई है। ओके, और भी है इनकी गाड़ी में कुछ? गाड़ी में सिलेंडर है, 3 बकरे हैं। ओके, और चूल्हा है और भी औजार है, प्लास वगैरह ये औजार है। उधर मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस के मुताबिक ये दोवें मुलजम पहला भी चोरी दी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसके तहत इन्हों पर कई मामले भी दर्ज ने, जिन्हों के कोलों हूँ एक गड्डी, 3 बकरे और गैस चूल्हा बरामद होया, जबकि एक कुहाड़ी भी इन्होंने कोलों बरामद हुई है। असी इन्हों दोहां नूं गेट ते ही समेत मोटरसाइकिल समेत कार जी इन्हों नूं काबू कर लिया वा, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।